उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी की आज बुधवार को ताजपोशी होगी। शपथ ग्रहण से पहले पुष्कर सिंह धामी ने वादा किया है कि वे सीएम पद संभालने के बाद उन सभी वादों को पूरा करेंगे जो बीजेपी ने चुनाव से पहले किए थे। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी शामिल है। पुष्कर सिंह धामी ने वादा किया है कि वे पारदर्शी सरकार चलाएंगे और चुनाव से पहले बीजेपी ने भी जो वादे किए थे उनको पूरा किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता भी इनमें से एक है। चुनावों से पहले सीएम धामी ने भी अपनी रैलियों में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि कानून को तैयार करने के लिए वह कमेटी का गठन करेंगे जिसमें कानूनी एक्सपर्ट, वरिष्ठ नागरिक और बुद्धिजीवी शामिल होंगे। बता दें कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में जीत दर्ज कर बीजेपी ने वापसी की, लेकिन पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा से चुनाव हार गए थे। बावजूद इसके बीजेपी ने उन पर भरोसा जताते हुए फिर से उनको ही सीएम बनाने का फैसला किया। धामी ने इस बात के लिए पार्टी और पीएम मोदी का आभार भी जताया है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।